पंजाब के चुनाव में वादे हो रहे हैं, गांव को शहर जैसा बनाने और शहर को नए ख्वाबों के सपने दिखाए जा रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत क्या है ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम आज पहुंची है पठानकोट इलाके में। पठानकोट में तीन विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सुजानपुर बीजेपी के पास है, जबकि पठानकोट और भुआ कांग्रेस के पास। हमने सबसे पहले सुजानपुर इलाके का रुख किया। प्राकृतिक रूप से सौंदर्य समेटे सुजानपुर का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है, और यही वजह है कि हमने गांव के लोगों से ही चुनाव को लेकर डायरेक्ट सवाल किए। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी बेहद ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन पंजाब की सर्दी इस बार गर्मी में बदल चुकी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में चुनावी पारा सर चढ़ कर बोल रहा है, और आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस कदर लोग जो यहाँ के हैं वो इस भीषण ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थानीय लोग हैं यहाँ के, पंजाब के। ठंड है बेहद ज़्यादा? बहुत सर, बहुत ज़्यादा ठंड आई। चुनावों में तो लगता है गर्मी होगी है। सर हमारे लिए तो क्या चुनाव सर, दिहाड़ीदार आदमी है। क्या पूछ रहा है? क्या करते हैं आप? सर दिहाड़ी लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होगा? सर इस बार तो अभी तो ऐसे ही कुछ भी पता चल रहा। क्या मुश्किल आ रही है? सर कोई भी कोविड के बीच में कोई भी नहीं आया था यहाँ पे, हम तो घर में बैठे थे, ना कोई देने आते। कहते लुधियाना में इतने पैसे दे रहे हैं केजरीवाल जी, चन्नी इधर इतने दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे यहाँ जो लोकल MLA वो हमें दुखी कर रहे हैं, गाड़ी चलाने को टाइम नहीं दे रहे, ऑटो रोक रहे हैं, नाके लगाए हैं पुलिस के, ऐसे थोड़ा काम होगा। लोकल MLA ये अमित बिज वो ही नहीं वारा दे रहे, हमें फायदा दे रहे, तो फिर वोट किसको डालेंगे? माहौल क्या लग रहा है अभी? तो चन्नी जी का लग रहा है, जो केजरीवाल जी का लग रहा है, दोनों का लग रहा है, दोनों का लग रहा है। जो हमें अच्छा फैसिलिटी देगा वो उसको वोट डाल देंगे हम। महंगाई पर कौन सी सरकार काबू पा सकती है? ये तो जी अब कोई अपने नवी सरकार आएगी तो पता लगेगा। अच्छे कोई जैसे वो हमें बताएंगे भाई आपको ये, उन कल बता रहे थे भाई आपको डीजल मिलेगा सस्ता या कुछ मिलेगा, तो देखते हैं अब क्या बनता है। महंगाई ज़्यादा लगती है? हाँ महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पहले तेल 80 रुपये लीटर था, अब तो 100 रुपये 200 रुपये लीटर तेल हो गया, क्या खाना किसी ने, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो गरीब की कौन सुनता है, क्या लगता है? कोई नहीं सुनता सर, आप इलेक्शन आप हमको बोल रहे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब टाइम आएगा कोई कुछ कुछ नहीं करेगा। नेता आ रहे हैं घरों में? हाँ जी नेता आ रहे होंगे आपके पास? कोई नहीं आ रहा हमारे पास, आते हैं रेडी करते हैं चले जाते हैं, हम वहीं के खड़े दे ऐसे कर करके आ जाते हैं वापस। तो पंजाब में क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या होने वाला है? पंजाब में कोई पता नहीं चलता जी, 4-5 पार्टी हैं, मालूम नहीं कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, किसी का कोई पता नहीं चल रहा अभी तक। तो आपको क्या लगता है कौन ठीक लगता है? जो जो हमारी कोई बात सुनेगा ना वही हमारे अच्छा लगेगा। कोई है सुनने वाला? अभी कोई नहीं है। कहाँ से हैं आप? जय चाकलाड़ी से। कौन सा विधानसभा है ये? सुजानपुर है। आपने देखा सभी सरकारों को देखा, आपको तो नए मुख्यमंत्री मिल गए, अब कैसे हैं मुख्यमंत्री साहब? नहीं कोई अच्छे, बहुत अच्छे नहीं है। वादे तो कर रहे हैं? वादे तो बहुत कर रहे हैं, नवाब को दे रहे हैं गारंटियां दे रहे हैं, मतलब रत्ता सस्ता नहीं होया, कोई कहता मैं जे कर दांगा इतनी नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी नहीं मिली कुछ नहीं। सुजानपुर की विधानसभा पंजाब में आती है, मगर लोकसभा सीट पड़ती है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। यहाँ कुल वोटर हैं 1,64,979, जिनमें 87,679 पुरुष हैं और 77,297 महिलाएं। पुरुष मतदाताओं के मन की बात तो जान ली, अब सुनिए सुजानपुर में महिलाएं क्या सोचती हैं। यूथ क्या सोचता है इन चुनावों को लेकर? सर यही सोचते हैं कि यूथ की डेवलपमेंट हो, देश की डेवलपमेंट हो, यही मेन होता है। तो जो भी एक नया उम्मीदवार होता है उसके साथ एक कुछ नई उम्मीदें होती हैं, खैर ये तो है ही है, देखते हैं क्या होता है। आप सुरक्षित मानती हैं पंजाब में, पंजाब की सड़कों पर अपने आप को जब आप निकलती हैं घर से? हाँ जी मैं अपने आप को सुरक्षित मानती हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पर जो चुनाव प्रचार चल रहा है पार्टियों की ओर से, जो वादे किए जा रहे हैं वो कैसे लगते हैं? वो ठीक है, पूरे हुए हैं और आगे भी होंगे। विकास हुआ है 5 सालों में? विकास हुआ?
हाँ हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ, काफी बेटर हुआ विकास, हो हम चाहते कि इससे और ज्यादा बेटर बने। आपकी क्या समस्याएं क्या है यहाँ पे, मतलब बतौर महिला क्या समस्या है? समस्या यही है कि यहाँ पर जो जो हल्का सुजानपुर में है यहाँ पे नशाबंदी बहुत है, हम चाहते हैं कि काफी आगे से बेटर हो जाए ये चीजें, और मतलब कि सुविधा होनी चाहिए हर चीज की। हाँ सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, नाली हैं, वो ठीक है कि वो भी नहीं है? अभी तो काम चल रहा है अभी, और बीच बीच में लाइट भी चली जाती, काफी जाने की हमें काफी चीजों का दिक्कत आती है, पानी की भी आ जाती है, बिजली की भी आ जाती है दिक्कत, और जो सड़कें बन रही हैं उसमें तो काफी टाइम लग रहा है, हम चाहते कि ये काम जल्दी से जल्दी बन जाए। आपकी गलियां सड़कें तो बन रही है? हाँ जी अभी काम लगा। हाँ जी अभी लगा हुआ है, पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, अभी हो रहा है। अब चुनाव आ रहे इसीलिए लग रहा है? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है पंजाब में अब चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? भाई पता नहीं, अभी तक नहीं पता। कौन ठीक लग रहा है आपको, क्या लगता है कि कौन सा, क्यों नेता यहाँ सभी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा नेता बढ़िया लगता है? अकाली दल वाले, ये ठीक है। हाँ। आपके काम होगा फिर। हाँ। भाजी की लग रहा है चुनाव आ रहे हैं, की लग रहा है? बहुत ही ठीक है, और सरकार जो इस बार जो चुनाव वादे पूरे किया, और इस बार फिर पंजाब में कांग्रेस पार्टी बनेगी। अच्छा। हाँ जी। वो कैसे पता आपको? और जो माहौल है कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किया और पूरे किया, और फिर से पंजाब में कांग्रेस सरकार आएगी। वोट डालेंगे? हाँ सर जरूर डालेंगे। क्या सोचकर वोट? हेलो सर क्या सोचना है, जो हमारा मन करेगा वही करेंगे हम। रोजगार है, क्या कर रहे हो? सर मैकेनिकल का काम कर रहे हो। हाँ ठीक लग रहा है इस समय? बहुत बहुत अच्छा लग रहा सर। हाँ हाँ सर बहुत अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत सब बढ़िया चल रहा सर। क्या लग रहा है चुनावी माहौल पंजाब का? पंजाब का जो मौजूदा माहौल है ये तकरीबन बदल चुका है, कांग्रेस सरकार ने झूठे वायदे बहुत ज़्यादा किए, ही झूठे लारे लाए, झूठिया कसमां खादिया, तो उन्हें वायदा से वो पूरे उतरे नहीं। मुलाजम वो हर वर्ग संघर्ष करने लिए मजबूर है, किसान भाईचारा भी, बाकी व्यापारी है, ये मतलब आने वाले समय से सरकार का बदलाव होएगा। हाँ जी जनाब, क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद साहब क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा बंदा है ये बिट्टू भाई, अब तो इसी को देंगे वोट। किसको? बिट्टू प्रधान। अच्छा अकाली दल है? अकाली दल। क्या लग रहा है पूरे पंजाब में, क्या माहौल लग रहा है? पंजाब में तो कांग्रेस का माहौल लग रहा है, कांग्रेस ही आएगी पंजाब में। अच्छा। हमारे हल्के में ये अच्छा है। अच्छा। हाँ आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर अकाली जीतेगी? यहाँ पर अकाली जीतेगी, ये जो बंदा जो अभी बिट्टू प्रधान है ना, ये बहुत अच्छा बंदा है। काम कुम हो रहा है यहाँ पे? नहीं काम तो अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, अभी काम बहुत कम है। खास काम नहीं है। सुजानपुर के बाद हमने दूसरी विधानसभा सीट पठानकोट का रुख किया, यहाँ हमने टहलने निकले लोगों का चुनावी मूड जाना। इस समय हम मौजूद हैं पठानकोट के शिमला पार्क में। ये पार्क हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अक्सर सुबह और शाम देखा जाता है कि लोग बेहद ज़्यादा संख्या में आते हैं, जो पठानकोट के स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर वो सैर करते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर झूले की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और लोग भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत की जा सके, उनसे पूछा जाए कि क्या वो सोचते हैं जो आगामी विधानसभा के चुनाव पंजाब में हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीधे इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर। साहब क्या नाम है आपका? विजय शर्मा जी। शर्मा साहब क्या लगता है आपको, चुनाव आ रहे हैं 2022 में, विधानसभा का चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल हॉट है माहौल जी, हॉट माहौल है, इतने लोग एक्साइटेड है कि, और देखेंगे कि किस पार्टी नाल असी कनेक्ट होना चाहते हैं, जो पार्टी इंप्रूवमेंट करेगी, डिवेलपमेंट करेगी सिटी की, सिटी के बीच नवी चीज़ा ऑर्गनाइज करनगिया, दे विल गो, पीपल विल गो आफ्टर दैम। यूथ को किस बात की चिंता है इस समय, अपने रोजगार की चिंता है आपको? नहीं हाँ चिंता वो तो है, रोज़गार की तो हर किसी को होती है भैया चिंता, बाकी जो काम अच्छा करेगा उसकी सरकार आनी चाहिए, है ना। क्या लग रहा है आपको अभी माहौल, क्या लग रहा है माहौल? ये तो जनता के ऊपर है ना, जनता आप ही हैं, आप वोटर हैं। नहीं वो तो है, ये चीज़ मैं मानता हूँ आपकी बात पर, जो अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि चुनावी रैलियाँ यहाँ पर हो रही हैं, तमाम नेता आ रहे हैं और वादे भी किए जा रहे हैं, वो वादे आप किस तरह से देखते हैं? वादे तो आगे भी करते हैं, ठीक है ना, अब तो सरकार के ऊपर है, पर मैं ये कहता हूँ कि सरकार वही आनी चाहिए जो अच्छी हो, बस जो काम कर सके, जो काम कर सके। साहब ये बताएं आप लोग कि
जिस तरह से अभी आप लोग पठानकोट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस तरह बिजली पानी सड़कें नालियाँ वो सब ठीक है? नहीं वो ठीक, हर जगह वही खराब ही है। हाँ डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं पूरी, डेवलपमेंट पूरी। तो किस दिक्कतों का आपको रोजाना सामना करना पड़ता है? हाँ ट्रैफिक का तो है ही है ना, जैसे वन साइड को आपको कुछ चलानी है उसमें एक गाड़ी भी और एक्स्ट्रा आ जाएगी तो फिर वो सारा बंद हो जाएगा ना रास्ता। सीवरेज तो की क्या है, है? सीवरेज की सिचुएशन क्या है? सीवरेज की भी ऐसा ही है, कोई सही पोजीशन नहीं है, सीवरेज की भी सब बंद ही रहता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, रैलियों की बात कर रहा हूँ मैं, अकाली दल भी आ रहा है, बीजेपी भी आ रहा है, वादे भी खूब सारे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं वादे तो सब करेंगे, वादे तो कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करेगी, अकाली दल भी करेगा और ये भी करेगा, लेकिन वादे पूरे कोई नहीं करता। वादे नहीं होते वादे पूरे। बात ये है कि ट्रैफिक की बात कर रहे थे आप, ट्रैफिक देखने से इधर बन वे की हुई है नीचे सड़क की, तो ये 3-4 महीने हो गया सीवरेज बंद रहता, तो सीवरेज का गंदा पानी सारा सड़क के ऊपर निकलता, कोई उसका इलाज नहीं, जितनी मर्जी रोज़ कंप्लेंट करी रही है, इतों तक कि जाके कमेटी घर भी गया कि उन्होंने दरखास्तें भी दे के आओ, कोई हल नहीं हुई। मुख्य शहर है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आता है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से बाहर से टूरिस्ट आता है, आप लोग लोकल भी यहाँ पर हैं, उस तरह से बना है शहर जिस तरह से होना चाहिए? नहीं नहीं वैसा नहीं बना जैसे होना चाहिए था, वैसा वो किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया टूरिस्ट को बढ़ावा देने के बारे में, किसी ने नहीं। यहाँ है तो बहुत कुछ है, पांडव गुफा भी है और भी काफ़ी सारे धार्मिक स्थल भी हैं, घूमने के लिए बड़ा कुछ है, कुछ है बहुत कुछ है यहाँ, मगर वहाँ बहुत डेवलपमेंट किया लोगों ने, खुद अपना पर्सनल इन्होंने बनाए हैं, ट्रस्ट उन्होंने किए, बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। सरकार कोई तवज्जो नहीं देती? सरकार देती है, उनको साल में मिलता है कुछ ग्रांट मिलती है, ऐसी बात नहीं है, जो रजिस्टर हो जाए सरकार देती है, मगर उनका अपना है एफर्ट्स। पठानकोट के बारे में कहते हैं जो यहाँ हिंदुओं की सुनता है उसी का चुनावी बेड़ा पार लगता है। 88% से ज्यादा हिंदू मतदाता है पठानकोट में और इसीलिए हर कोई हिंदू उम्मीदवार ही उतारता है। पिछली बार चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के अमित विज का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है ये भी हमने लोगों से जाना। पठानकोट की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या सोचती हैं जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के। मैडम क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा जी क्या लगता है आपको जो चुनाव आ रहे हैं, पार्टियों की ओर से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? जब इलेक्शन हो जाते हैं तब तो बड़े वादे करते हैं, जब लास्ट में रह जाते हैं तब काम पूरा करते हैं, पहले तो कोई नहीं करता, जब लास्ट में फिर लेने होते हैं तो फिर कर देते हैं, सड़कें बना देते हैं, नालियां बना देते हैं, सीवरेज कर देते हैं, पानी का भी बंदोबस्त कर देते हैं, जब पहले बीच में ऐसे कोई नहीं आता, ऐसे ही चलता है। आप लोग पठानकोट सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर किस किस तरह की दिक्कत आपको रोज़ाना पेश आती है? बस ज़्यादा तो पानी की है, पानी की मोटर ख़राब हो गई है, फिर जब मोटर ख़राब होती है 3 दिन पानी नहीं आता और दूसरी मोटर का रेंज ही नहीं होता, वो ठीक होएगी तो वो ही चलेगी, एक्स्ट्रा कोई इनके पास हाँ तो चाहे 4 डेज लग जाए तो हम ये कहते हैं कि आज की डेट में भी एक मोटर को ठीक करने के लिए आपको 4-5 डेज लगते हैं, तो जबकि मेरे हिसाब से इतनी देर में तो लोग एक कमरा भी खड़ा कर लेते हैं, तो इनसे पानी की मोटर नहीं ठीक होती, तो वो थोड़ा हमें लगता है कि ये मतलब लापरवाही है इनकी, पानी की समस्या है। जैसे बिजली है, हाँ। जैसे सड़कें हैं नालियां हैं, उसकी क्या हालात हैं? सड़कों की भी हालात तो काफ़ी ख़राब है, ये जस्ट अभी जब इलेक्शंस आसपास होते हैं तो ये इनकी रिपेयर होती है, अदरवाइज तो रोड्स काफ़ी ख़राब है पठानकोट में, अभी रिसेंट कुछ रोड्स ठीक हो गई हैं। बतौर महिला आप पंजाब की सड़कों में जब घूमती हैं आप अपने आप को सेफ्टी महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? ऐसा है कि जो न्यू रोड्स बनी है जहाँ पे तो अब तो टैक्स पीछे टोल टैक्स बंद थे, बट अदरवाइज जहाँ पे टोल टैक्स लगे हुए हैं वहाँ की रोड्स जो बाईपास वगैरह ये बना है न्यू जो बनी है वो तो अच्छी है, अदरवाइज जो सिटी के अंदर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोग अकेले निकले हैं तो आप वो सुरक्षित मानती हैं कि जब आप बाहर अकेले निकलते हैं आप लोग? तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अब तो देखो, जैसे कोई बाइक पे आते हैं वाइट बाइक होती है और वो चेन खींचते हैं तो भाग जाते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं सुनता, कोई पुलिस वाले खड़े होते हैं कहते थाने जाओ वहाँ पे करो, क्या करें हम लोग ना। हाँ इतना नशा पंजाब में फैला हुआ है, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बीच में सरकार भी इंक्लूडिंग है, मतलब हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स नहीं है या घर के नहीं है तो खाली सरकार ही है, बट चलो थोड़े से अगर सरकार के हाथ में कुछ है तो उनको भी इसके लिए अवेयर होना चाहिए। पठानकोट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है मगर नगर निगम चुनाव के बाद से हालात बदले हुए हैं, कांग्रेस यहां पहले से ज्यादा मजबूत हुई है जबकि आम आदमी पार्टी भी खुद को बड़ा दावेदार बता रही है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कैमरामैन तनवीर सिंह के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 पठानकोट।